हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप देख रहे हो श्वेता व्लॉग में आपका स्वागत है। वेलकम टू योर चैनल। सो हमारे बीबी के वाइंस का डिंडोर आने वाला है, उससे पहले उनके जो वीडियो देखे नहीं है वो करें। तो भी हम करने वाले हैं आप बाप ए अपने बाप से ऐसा सवाल करेंगे सच का सामना। चलो देखते हैं। मम्मी प्लीज खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। पहले नहा क्या? कल भी नहीं नहाया था। अरे ठंड में रोज रोज कौन नहाता है? तेरी माँ और तेरा पापा, आप ही समझाओ। लिसन सन, योर मदर माय वाइफ मीन टू से नो इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई टॉक इंग्लिश विथ यू, बट शी विल अंडरस्टैंड व्हाटएवर यू से। प्रूफ, यू आर अ स्टूपिड फीमेल। ओके, इतनी ठंड इंग्लिश झंड। कभी कभी व्हेन आई गो बाथरूम इन ठंड, चुल्लू भर पानी, छप छप छप, सिंग 2-3 फुल सॉन्ग्स, मुखड़ा अंतरा, शी थिंक डन, बाहर आके फुस फुस दियो, चैन से जियो। क्या बोल रहे हो? नहाने के फायदे समझा रहा हूँ बेटा, जाके नहा ले। हेलो अंकल, रतन जी। हेलो। हेलो। और बकरी चोट क्या ले? क्या बकरी? मम्मी आपको जाना नहीं है? टैक्सी बुक कर दो ना यार, मेरे फोन में वो स्पेस होती है ना वो इतनी कम हो गई है कि अब वो टैक्सी वाले और बाकी ऐप मैंने हटा दिए। हाँ तो मैं टैक्सी से बुक कर देता हूँ ना आंटी, ऐसे भी फोन में इतने सारे ऐप रखने से अच्छा है एक ही ऐप काफी है। ये आपकी पहली राइड है ना, तो कूपन कोड में बैंचो डाल के आपको 40% डिस्काउंट दिलवा दिया। ये लो, हो गई कैब बुक। भाई कल मैंने रोहन के साथ सच का सामना खेला, सारे राज बक दिए उसने, मैं उसी ने कंप्लेंट की थी मेरी। अच्छा, ये सच का सामना क्या होता है? वाह का सामना, फेस द ट्रुथ। क्या बोल रहा है ये फुद्दू? सच का सामना एक गेम है, चलो ना खेलते हैं। आप क्या खेलोगे, ये तो बच्चों का गेम है, एकदम बेकार। यार तेरी माँ चली गई बाहर, अखबार में पूरा सुबह सुबह पढ़ लेता हूँ, क्राइम पेट्रोल भी रात को आता है, बोर हो जाऊंगा, खिलवा लो यार। खेलो ना अंकल, आप और भुवन खेलो, मजा आ जाएगा। अच्छा अच्छा, इसमें करना क्या होता है? बस सच बोलना है, दो सवाल आपके, दो सवाल इसके, आप सवाल पूछो, ये सच बोलेगा। मैन मतलब वैसे तू झूठ बोलता है? नहीं पापा, आप बस सवाल पूछो और हाँ कोई झूठ नहीं बोलना। तेरी हाइट कितनी है? 5'11". वेट अंकल, BMI निकालोगे क्या? ये कैसे सवाल पूछ रहे हो? रुको मैं समझाता हूँ। तूने कभी अंकल की पॉकेट से पैसे चुराए? बहुत पहले, 10 रुपए बस। और वो जो तू 500 के 2 करारे नोट लाया था कुछ महीने पहले स्कूल में, कौन से पैसे? अरे बंक मार के नहीं गए थे स्कूल से पूल खेलने? और मैं पूरा टाइम बेचारी वो काम वाली पे शक कर रहा था। पापा मैं आपको बताने ही वाला था। देखा अंकल, ऐसे सवाल पूछने हैं जिसमें सामने वाले की हालत खराब हो जाए। बाथरूम में नहाने में इतना टाइम क्यों लगाता है? ये हुआ है गेम शुरू। तन्हाई से निकले आफू हुपाने के लिए नहा लेता हूँ, दिन के 15 मिनट वेस्ट ना हो इसीलिए बाथरूम में ही हिला लेता। पापा लंबे बाल, धोने में काफी टाइम जाता है, लंबे बाल है धोने में, शैम्पू कंडीशनर मार्गो। तेरी माँ के भी तो लंबे बाल है, वो तो 5 मिनट में आ जाती है। और फोन क्यों ले जाता है अंदर? लोटा हिला, लोटा हिलाने में दिक्कत होती है तो फोन डाल के उसमें लोटा हिल जाता है। क्या बोल रहा हूँ? अब मैं पूछूंगा। ओह नो, आप 3 साल पहले बैंकॉक गए थे, क्यों? ऑफिस की ट्रिप थी बेटे, मीटिंग थी। आपके ड्रॉअर से मुझे पिछले हफ्ते ये मिला, प्लेबॉय क्लब। अरे हाँ, ऑफिस के दोस्तों को अपने बच्चों के लिए खिलौने लेने थे तो प्लेबॉय उस दुकान का नाम था। ओ, तो वहाँ खिलौने बेचते बेचते बॉडी मसाज भी होती थी। अपने बाप से ऐसे सवाल करेगा? ये दिन दिखाने के लिए तुझे इतना बड़ा किया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है तुझे। अरे तुम्हारी उम्र में तो मैं पहाड़ चढ़ के स्कूल जाता था। अरे इतने सीरियस गेम में इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं अंकल? ये गेम का रूल है, सवाल सवाल है। मुझे पड़ोसियों ने बताया कि पिछले हफ्ते जब मम्मी और मैं बाहर गए थे तब घर में कोई लड़की आई थी। शिट जस्ट गॉट रियल, मतलब टट्टी अफली हो गई। पापा वो एक फ्रेंड थी, असाइनमेंट के सिलसिले में आई थी। क्या नाम था उसका? गौरी। नेहा। दो दो लड़कियां आई थी। अरे घर है कि कोठा? दोनों गर्लफ्रेंड है तेरी? सिर्फ स्नेहा आई थी पापा, और गर्लफ्रेंड तो कोई भी नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है।
ये कोई उम्र है प्यार करने की? अरे ये उम्र तो पढ़ाई करने की है। ये उम्र तो आपका नाम रोशन करने की है। ये उम्र तो स्पोर्ट्स खेलने की है, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलने की थोड़ी है। So deep, that's what she said. तो स्नेहा है कौन? Friend with benefit, मतलब दोस्त जो एक दूसरे के काम आए ताकि दोनों का फायदा हो। उसने मेरा असाइनमेंट किया। ये तो तेरा फायदा हुआ, तूने उसको क्या दिया? ऑरिगैनो। पिज्जा खाना था ना उसको, लड़कियों को तो पिज्जा पसंद है। और बीवी को बेफ। ये रमीज राजा को चुप करा। तू जब अभी 2 हफ्ते के लिए मुंबई गया था किसके साथ रुका था? अरे का यार, पिंकी। पिंकी लड़की के साथ रह रहा था। उसके माँ बाप ने कुछ कहा नहीं? वो तो दिल्ली में ही रहते हैं अंकल। दोनों एक साथ रह रहे थे अकेले। पापा, पिंकी जी मुझसे 10 साल बड़ी हैं। हमारा रिश्ता इतना पवित्र है। वो तो मैं डिसाइड करूंगा बेटा कि पवित्र है कि नहीं। अंकल आजकल लिव इन रिलेशनशिप बहुत कॉमन है। ये लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है? ना फेरे ना विदाई, पे हुदाई पे हुदाई। सॉरी पापा, सॉरी। अब मेरा सवाल पूछना। तेरा बाप हूँ, उसूलों वाला आदमी हूँ, ईमानदारी से जिंदगी जी है। तेरे साथ मैं ये गेम रोज खेल सकता हूँ। आप वर्मा आंटी के बारे में क्या सोचते हो? मेरे को खेलना ही नहीं। अरे पापा, अरे रोको। बुढ़ों के दिलों में जवानी के दिए जल रहे हैं और कुछ लोग अभी तक अपना नुन्नू मल रहे हैं। फेफड़े बाहर आ गए हंस हंस के कसम से। बाप रे बाप, हमारा रिश्ता बड़ा पवित्र है। पवित्र लड़की क्या है? जबरदस्त था। बस अब टिंडर का इंतजार है। टिंडर तब तक गाइस हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द हो जाए बेल आइकॉन।